तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे थंबनेल कैसे बनाए। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे क्रिएटर यूट्यूब पे जो मतलब माइनक्राफ्ट की वीडियो तो अच्छे कंटेंट डालते हैं, पर थंबनेल मतलब ऐसे बनाते हैं लोग अट्रैक्ट नहीं होते देखने के लिए। तो थंबनेल भी अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो आज मैं उसी का ट्यूटोरियल आपको देने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें लगेगा माइंड इमेटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिलहाल मैंने माइंड इमेटर ओपन कर लिया है। यहाँ पे हमें प्रेस करना है न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट प्रेस करने के बाद हमें कुछ उसको नाम देना पड़ेगा, जैसे मैंने कुछ तो दे दिया है। मैं थंबनेल दे देता हूँ क्रिएट। ओके सब देखो यहाँ पे पूरा आपको ऐसा प्लेन दिखेगा। आप इसको अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आपको आगे पीछे जाना है तो माउस का राइट क्लिक करके सेम माइनक्राफ्ट की तरह WASD बटन यूज़ करके आप आगे पीछे जा सकते हो। और ऊपर नीचे के लिए नीचे आना है तो राइट क्लिक प्लस क्यू, और ऊपर जाना है तो राइट क्लिक प्लस ई। तो ऐसे सारे कंट्रोल से इसके देखो गाइस, ऊपर आपको एक क्राफ्टिंग के टेबल जैसा कुछ दिख रहा है, उस पर सारे हम ऐड कर सकते हैं। लेटर, ह्यूमन, मतलब सब कुछ जो भी है अपना, वर्ल्ड आइटम्स, लाइट, कैमरा, सब कुछ। तो इस पर चलते हैं, इसलिए वर्ल्ड अपडेट करते हैं। वर्ल्ड पे जाके यहाँ पे इम्पोर्ट फ्रॉम वर्ल्ड सेलेक्ट करने का। उसके बाद आपको कुछ ऐसा विंडो दिखेगा। ऐसा विंडो दिखने के बाद आपको ऊपर वर्ल्ड सेलेक्ट करने का, और वहाँ पे आपको वर्ल्ड आपका सेलेक्ट करना है जो भी आपको अपडेट करने का। और यहाँ पे सब ओवरवर्ल्ड नेदर एंड जो आपको चाहिए वो आ जाएगा। फिलहाल अभी अपलोड हो रहा है, आप ऊपर देख सकते हो 72, मैंने स्किप कर दिया गाइज। अब अपलोड होने के बाद आपको सेलेक्ट करना है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कितना चाहिए। मैं सिलेक्ट करता हूँ थोड़ा एरिया इतना, मतलब ये देखो और ऐसा वर्टिकली थोड़ा इतना, तो इतना बस है। तो ये देखो गाइस 17,160 ब्लॉक्स हो गए। तो डन पे क्लिक किया तो ये ओपनिंग फाइल हो रहा है। फिर आपको ऐसा विंडो दिखेगा ये वाला, इसको आपको यस कर देने का है। इसका मतलब है कि आप मतलब चेस्ट वगैरह खोल सकते हो, डोर वगैरह। तो गाइस देखो अपना वर्ल्ड तो अपडेट हो चुका है। क्रिएट कर देते हैं, ये देखो गाइस कहाँ पे आ गया है। वैसे ही मैं राइट क्लिक करके WASD करके आगे पीछे हो रहा हूँ। तो चलो इसको अभी ग्राउंड के लेवल पे लेके चलते हैं। ये अपना घर है, इसको मैं अब नीचे लेके चलता हूँ। इस पर ऐसा क्लिक करने के बाद ये सब ऐसे कंट्रोल दिखाई दे रहे होंगे। तो ये ऊपर वाली जो डंडी है ऐसे ब्लू वाली सीधी, उसको दबा के आप इसको नीचे ले जा सकते हैं। तो ये थोड़ा हो गया, और थोड़ा लेके जाते हैं। मैं एडजस्ट करके आपसे मिलता हूँ। तो ये तो बहुत नीचे गया, ये थोड़ा ऊपर, थोड़ा थोड़ा और थोड़ा 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 नीचे नीचे थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे थोड़ा बराबर हो गया गाइस। अबे ये तो एकदम मतलब एकदम रियल लग रहा है गाइस, इसे इसे में है ऐसा। तो अपना ये तो अपडेट हो चुका है, देखो गाइस बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। चलो अब पहले इसमें कैमरा ऐड करते हैं। इस पे किया, ये सब आप देख पा रहे हो वर्ल्ड, ये सब ये रहा। ये कैमरा पे ऑप्शन करके इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक किया। सो ये कैमरा आ गया, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। इसको क्लिक करके कैमरे पे, यहाँ से नहीं हो रहा तो गाइस आप ये नीचे यहाँ से भी आप क्लिक करके हो कर सकते हो। इसके कंट्रोल्स बहुत यहाँ पे मतलब कंजेस्टेड है गाइस, कंट्रोल करना यहाँ से मुश्किल है। सो इससे अच्छा है कि आप ये देखो कितने ये है इसके एडजस्ट, एकदम किचमिट काला ऐसा। इससे अच्छा ये है कि आप राइट साइड में देख पा रहे हो ना, यहाँ पे भी सेम होता है गाइस। राइट क्लिक करके WASD से आप कंट्रोल कर सकते हो अपने कैमरा को। ये देखो एकदम करेक्ट पोजीशन लग गई है, कैमरा तक को काम खत्म हो गया, एकदम करेक्ट एडजस्ट हो चुका है ये। तो ये स्क्रीन थोड़ी छोटी कर देते हैं, एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है गाइस। सो गाइस अभी ये तो हो गया, चलो अब हम प्लेयर ऐड करते हैं। वापस से उसी क्राफ्टिंग टेबल पे ऐड करना, ये जो देख पा रहे हो आप ह्यूमन जैसा, इस पर क्लिक करना। क्लिक किया तो यहाँ पे सब देख पा रहे हो आप, कुछ भी मतलब कुछ भी लगता है, जॉम्बी, स्केलेटन, ह्यूमन वगैरह सब कुछ।
तो अपन ह्यूमन पे सेलेक्ट करते हैं अभी। तो यहाँ से आप जेंडर भी कर सकते हैं, अलेक्स या स्टीव, अलेक्स या फिर स्टीव, अभी तो स्टीव ही रहने देते हैं। यहाँ पे आप माइनक्राफ्ट की स्क्रीन स्किन, अगर आपकी प्राइवेट है तो आप ब्राउज करके निकाल लो, या फिर यहाँ से भी मिल जाती है, आप सर्च कर देना। चलो अब आयरन मैन सर्च करते हैं स्किन। आयरन मैन की तो कोई स्किन ही नहीं है। हीरो हीरो सर्च करते हैं, हीरो हीरो गेट स्किन आ गई गाइस। चलो डन कर देते हैं इस पे, ये तो काफ़ी अच्छी लग रही है क्रिएट। ये देखो गाइस स्पॉन हो गया, उसी तरह इस पे क्लिक करने के बाद उसके कंट्रोल्स आ जाएंगे, आगे पीछे सब तरफ आप घुमा सकते हैं। तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ी देर में, आपसे मिलता हूँ 2 मिनट बाद। तो ये एडजस्ट तो हो चुका है बराबर, आप चाहिए तो ऐसा नहीं दिख रहा है, तो अपना ये जो राइट हैंड में है उस कैमरा को सेलेक्ट करके भी कर सकते हो। तो अभी इसके पैर करते हैं गाइस, इस ऐसे एक पैर पे सेलेक्ट किया, गो पैर, लेफ्ट क्लिक, बॉडी नहीं, बॉडी नहीं, सिर्फ पैर, हाँ पैर पैर हो गया। इसको देखो गाइस मैं कैसे करता हूँ, अब ये बीच वाला छोटा को लेना, इससे सिर्फ मतलब ऐसे घुटने से मुड़ता है वो, और बाकी के सब आप देखो। तो चलो गाइस अपना बंदा अभी सेट हो चुका है, चाहिए तो आप यहाँ पे कैमरा से देख सकते हो उसका एंगल कैसा चाहिए आपको। सो एकदम मस्त लग रहा है गाइस। सो गाइस हाथ भी एडजस्ट हो चुके हैं, आप चाहिए तो इस कैमरा को एक्सटेंड करके देख सकते हो, एकदम बराबर लग रहा है। चलो कैमरा छोटा कर देते हैं, अब ये थोड़ा ऊपर हो गया हवा में, स्पाइडरमैन बन गया। सो गाइस अपना बंदा तो ऐड हो चुका है, एकदम बराबर दिख रहा है एकदम, मतलब थंबनेल अभी 50% हो चुका है अपना। तो अभी बारी है अपने एनिमल की, मतलब आप कौन सा भी ले सकते, कुत्ता, बिल्ली, पैरट, कुछ भी आपकी मर्जी। मतलब तो मैं फिलहाल ले लेता हूँ वुल्फ। वुल्फ किधर है, वुल्फ 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 गिरा, वुल्फ सेलेक्ट किया, ये दिख रहे हो आप। एक स्किन भी आप अगर आपके पास है अपनी प्राइवेट स्किन तो ब्राउज करके ले, और टाइप है टेम एंग्री, जो चाहिए वो लियो। क्रिएट कर दिया, तो क्रिएट कर दिया, क्रिएट कर दिया, ये क्या पे उस फैन होएगा ऐसे। रुको मैं आपको मिलता हूँ 2 मिनट में इसको एडजस्ट करके। तो ये परफेक्टली एडजस्ट हो चुका है, अभी इसके पैर की बारी है, मतलब इसको बिठाना है ना तो नीचे, तो जस्ट 2 सेकेंड में। सो गाइस कुत्ता तो एडजस्ट हो चुका है, देखो अभी भी मेरा वर्क चालू है, अभी भी मेरा वर्क चालू है गाइस। कितना देर लग रहा है, बहुत हार्ड वर्किंग का काम है गाइस ये, लाइक कर दो गाइस इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए मैं। तो चलो कुत्ते का भी डन हो चुका है, देखते हैं हम कैसा दिख रहा है।
रेंडर रेंडर, हाँ ये वाला ठीक है, रेंडर गाइस बहुत बहुत मेहनत है गाइस। कुत्ते का तो फुल एडजस्ट हो चुका है, कैमरा में देखते हैं कैसा दिख रहा है, बोले तो एक ही नंबर लुकास बाकी दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स मिलेंगे आपको, आप जो चाहिए आप वो ले लो आपके हिसाब से, कौन सा अच्छा आपके लिए। सो गाइस अब आइए कुछ इसमें मतलब लाइट जैसा कुछ डालने की। अभी वहाँ पर से क्राफ्टिंग पर से मतलब ये क्या पहले आइटम डाल देते हैं इसमें। सो गाइस अब इस हाथ में हड्डी डालने की, हड्डी हड्डी जो मतलब बहुत प्यारा लगेगा, मतलब अपना बंदा अपने कुत्ते को ऐसा हाथी खिला रहा है तो क्राफ्टिंग टेबल देख क्या इस जैसा दिख रहा है। यहाँ पे सब आइटम से दिख पा रहे हो आप सब, जैसे मतलब क्लॉक्स से कंपास सारे मतलब सीढ़िया फ्रॉस बो वेपन्स आइटम्स बहुत इलेक्ट्रा सब कुछ है। तो हड्डी ढूंढता हूँ मैं कहाँ पे, हड्डी 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 डायमंड तक है इसमें। ये हड्डी तो हड्डी हो गई, क्लिक करता हूँ हड्डी कहाँ पे स्पॉन हो गया, यहाँ से खाते हूँ तो 5 मिनट तक आपसे 2 ही सेकंड, 30 बार 2 सेकंड लगाऊंगा बराबर हड्डी को एडजस्ट करके बताओ। सो गाइस हड्डी भी एडजस्ट हो चुकी है, बारी एक लाइट जैसे कुछ। तो ये आप देख पा रहे हो ये बल्ब है जो मतलब हर तरफ लाइट स्प्रेड करता है, और ये जो है ना ये मतलब एक स्पॉट लाइट क्रिएट करता है, तो इसको करते हैं क्रिएट। और देख रहे हो गाइस एकदम से मतलब ब्राइट जैसा आप लग रहा है ये, तो इसके भी कुछ सेटिंग्स है कहाँ पे। तो गाइस लाइट को भी हमें एडजस्ट करके मिलता हूँ आपसे 2 सेकंड में। लाइट यहाँ पे भी सब कंट्रोल से गाइस देख पा रहे हो ऊपर नीचे, तो मिलता हूँ आपको 2 सेकंड में। सो गाइस लाइट भी एडजस्ट हो चुकी है दिख पा रहे हो आप। अब लाइट की सेटिंग करते हैं कुछ, तो मैं कलर पे ऊपर सेलेक्ट करता हूँ और ब्लू पे देखो गाइस पीछे फर्क देखो आप, तो ये देखो कितना फर्क आ रहा है, तो ये इतना रहने का ओके करता हूँ। और ये सब रेंज कितनी चाहिए कहाँ तक, मैं चाहता हूँ ये रेंज अपने घर तक जाए, इसको ऐसा मतलब क्लिक करके साथ बढ़ा रहा हूँ मैं आगे निकल रहा। आप देख पा रहे हो प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में आ गए, बैकग्राउंड में आ गए। यहाँ पे जो टाइम है ना ये थोड़ा ऐसा मतलब इवनिंग जैसा रखो माहौल, और ये रोटेशन वाला देखो मतलब कैसा लग रहा है आगे सनसेट हो रहा है, ये कुत्ता और उसका मालिक प्यार कर रहे दोनों मस्त लग रहा है। सो गाइस फिलहाल इतना तो एडजस्ट हो चुका है, अब हो ही चुका है गाइस, हमें बस डाउनलोड करने का है। डाउनलोड करने में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही होंगी आपको मैं बताता हूँ उसके बारे में लास्ट तक दिखेगा बस। सो गाइस जब डाउनलोड करते वक्त ये मैसेज जैसा बॉक्स दिख रहा है ना कुछ, यहाँ पे आपको स्टार दिख रहा होगा, तो आपका वर्जन लो है मतलब अपडेट अपग्रेड नहीं किया। अपग्रेड भी गाइस फोकट में कर सकते हो आप, बस मैं आपको अब बताता हूँ अगले अभी 2 सेकंड में रुको। सो गाइस कुछ नहीं करना, बस अपडेट करने के लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है, वहाँ पे सर्च करना है माई इनिवेटर अपग्रेड। पहले लिंक पे क्लिक करके ही नीचे आते वक्त आई रेंट ट्रेडर वो जो दिख रहा है ना उस पर क्लिक करके गेट की, और उसको कॉपी करके यहाँ पे आके स्टार पे दबा के वहाँ पे आपको आईडी पेस्ट कर देनी है। अब यहाँ पे डाउनलोड इमेज का एक्सपोर्ट एज इमेज करके आप क्वालिटी करिए जो आपको चाहिए और फिर सेव। गजब दिख रहा है गाइस, मुझे मुझ पर प्राउड हो रहा है मैंने इतना अच्छा बना लिया, मस्त दिख रहा है काफ़ी। तो गाइस आप भी ट्राई करो अपने माइनक्राफ्ट की वीडियो पे डालो, जरूर आपका वीडियो ट्रेंडिंग पे जाएगा। सो चलो दोस्तों बाय।